प्यारे दोस्तों, ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए, बेटी और बेटों के लिए बना रहा हूँ जिनको ये शौक होगा, जिनको कुछ करने के लिए प्रभु पर विश्वास करते हो तो तुम्हें पैदा किया होगा। आइंस्टाइन न्यूटन हो या कॉनर्स, मैकेनरो, बॉर्ग हो, मार्टिना नवरातिलोवा हो या सेरेना विलियम, स्टेफी ग्राफ हो, इस तरह के सपने लेके जो चल रहे हैं उनके लिए वीडियो, खास के मेरे हिंदुस्तानी बच्चों के लिए जो हिंदी समझते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं एक ऐसा आदमी हूँ, जब कभी भी मैं कुछ भी सोचता हूँ, वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, तो मैं काम को पूरा करके ही छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं रहूँ ना रहूँ लेकिन मेरा लक्ष्य मुझे मिलना चाहिए। जो भी कुर्बानी हो, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ होते हुए, मरने की तमन्ना लेते हुए आगे बढ़ता हूँ, कभी मुड़ के पीछे नहीं देखता हूँ। मेरा दोस्त अमिताभ बच्चन का बाप हरिवंश राय बच्चन ने लिखा, तू न कभी मुरेगा, न तू न कभी थकेगा, न तू न कभी रुकेगा। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, मर जा लेकिन असफल बन के मत जी, वो जिंदगी तुम्हारे लिए नरक होगा। अरे जिंदा दिल जिंदा रहते हैं, सफलताएं उनकी दासी होती है। कार बुजदिल माँ बाप को खुश करने के लिए कुछ काम करते हैं, धोखा देते हैं। अरे नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर चला गया, एलोन मस्क मार्स पर जा रहा है। दुनिया में ऐसे वैज्ञानिक हुए, समय और दूरी को कब्जा कर लिया, और तुम मेरे भोले भाले बच्चे छोटा छोटा काम लेते हो। विंबलडन जीतना हो, ग्रैंड स्लैम जीतना हो, असंभव समझ रहा है। अरे हर साल 4 ग्रैंड स्लैम चैंपियन होते। अरे भैया, मैं छोटा काम करता हूं, पूरी ताकत लगाता हूं, आत्मविश्वास के साथ। मेरे सिद्धांत हैं, तुम्हें मदद करने वाला केवल तुम है, तुम्हें कोई मदद नहीं करेगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद बूझे, बता तेरी रजा क्या है। अपनी रजा खुद जान, दूसरा तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। आत्मविश्वास, अरे हजारों महापुरुषों का चित्र मुझ में है। जाके प्रति जही सत स्नेहु, से ताही मिलई न कसुन देहु। दृढ़ संकल्प, कठोर परिश्रम, मर मिटने की तमन्ना, स्वर को धरती पर लाने का जोश और जज्बा। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। अरे भाई, असफलता असफल व्यक्तियों के लिए है, कमजोर के लिए है, गद्दारों के लिए, दुष्ट के लिए, जो फकीरी बन के जीना चाहता हो, लेकिन जिसे दुनिया का सारे सुख सुविधा चाहिए, वो बनेगा मेरा दोस्त एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, बिल गेट्स, स्टीव जॉब, एलोन मस्क। अरे ये सारे फकीर थे, बट इनके दिल में वो जोश था, इनकी मस्तिष्क में वो ताकत थे कि असंभव जानते ही नहीं थे। अभी भी एलोन मस्क की कहानी पढ़ ले, मार्स पर कॉलोनी बनाने जा रहा है, कितने बार असफल हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर इसका खर्चा हो गया, और पूछा बीबीसी वाले कि इतना खर्चा हो गया क्या छोड़ दोगे, बोला रे रोऊंगा, तड़पूंगा, परेशान हो जाऊंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। एक कहावत है, मत दे मर्द मत दे खुदा, अरे मैं खुद खुदा हूं, मेरा कोई भगवान नहीं, न कृष्ण, न राम, न खुदा, न अल्लाह, न जीसस, ये मूर्खों का है, दूसरों के भरोसे जीने वाला है। मैं खुद पर विश्वास करता हूं, प्रकृति का पुत्र हूं, मैं भी राम हूं, मैं भी कृष्ण हूं, मैं सब कुछ हूं जिसे तुम पूछता है। मैं पूछता हूं तो अपनी आत्मा की शक्ति को, अपने आत्मविश्वास को, और जो चाहता हूं कर सकता हूं। अरे फकीर का बच्चा, भिखारी का बच्चा, भैंसी के बच्चे की तरह पाला पोसा गया, आज मुझे दिव्य ज्योति प्राप्त हुआ। सीख लो, सीख लो गरीबी में पलने वाले मेरे बेटी और बेटो,
तुम इसीलिए विफल हो रहे हो, कमजोर हो रहे हो कि तुम्हारी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं है, संकल्पित नहीं। देखिए ये जो है ना जगह, इसका नाम मैंने दिया जीवीके स्पोर्ट्स, और इसके अंदर टेनिस कोर्ट्स है जिसका नाम है क्लब टेनिस आश्रम, समझ ले, एक क्लब टेनिस आश्रम। यदि तोर डाक सुने क्यों ना आसे तबे एकला चलो रे, तब एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। देख भाई मेरी बेटी भी ऐसी है, मैंने उसको वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहा, एक क्लब टेनिस आश्रम बना दिया, लेकिन उसको अपने आप पर विश्वास की कमी थी, इसीलिए आज तक कुछ नहीं किया, सारे पैसे लगा दिए, भिखारी बन गया मैं, भिखारी बन गया। देख फटा पेंट, फटे चिथड़े, कुछ भी नहीं है यहाँ, लेकिन इस इंसान में वो ताकत है जो राम और कृष्ण में है। लेकिन मैं 95 ईयर में क्या करूँगा भाई, हम तो तुम्हें सिखा ही सकते हैं, आगो जागो, कुछ कर सकते हो तो गिर जाओ, अपनी शक्ति का एहसास करो और दुनिया में प्राकर्मी यशस्वी होकर जीवन जी, ओके, यही मतलब कहने का। और उदाहरण दिखाता हूँ, ये महान डॉक्टर है डॉक्टर सत्यनारायण, हजारों करोड़ों लोगों की सेवा किया है, 40-50 साल तक सर्विस किया है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, और इनको लोगों की सेवा में इतना विश्वास था कि सोचे मैं अगर एक डॉक्टर बनके इतने लोगों की हिफाजत और सेवा कर सकता हूँ तो इनके परिवार में जो भी जन्मा सबको डॉक्टर बना दिया। अरे क्या ये धोखाधड़ी से हुआ? सोचा, और सोच को सफल करने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए ये फकीर बन गया, एक एक पैसे जोड़ के इन सबों को डॉक्टर बना दिया। कोई अमेरिका में बड़ा डॉक्टर है डॉक्टर सोनी, कोई हिंदुस्तान में MBBS MSMCH कर रहा है, और इतना ही नहीं उनके स्पाउस भी बड़े बड़े डॉक्टर बन गए। तो तुम्हें किस बात का डर है रे? मैं हूं ना बुद्ध का अवतार, राम और कृष्ण का अवतार, समझ अपने आप को, तुम कम नहीं है, तेरी सोच तुम्हें कम बना रही है। वी आर व्हाट वी थिंक, ऑल दैट वी आर अराइजेस विद आवर थॉट, विथ आवर थॉट वी मेक द वर्ल्ड, थिंक बिग, वर्क हार्ड, देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ ग्रेटनेस, व्हाट इज योर गोल, डिफाइन, सीक द बेस्ट पीपल हु कैन हेल्प यू, वर्क वेरी हार्ड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। किस बात की देरी रे भिखारी, अपनी मर्जी से बना है, बासाबन बासाबन मेरी तरह, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो बुद्ध तो हूं, बुद्ध से बड़ा कौन है रे, बोल, नाम जानता है मेरा, फकीर योगी वीरेंद्र योगी, फकीर का मतलब बुद्ध इनलाइटेंड वन, योगी वीरेंद्र योगी, योगी सुना है ऐसा डायलॉग, योगी वीरेंद्र योगी, बॉन्ड जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, धन्यवाद।